सो हे गाइस, आज की वीडियो में बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम मुझे से पूछेंगे कि आपको टेबल कहाँ तक प्रिंट करवानी है। लेट सपोज यूजर ने एंटर किया 3, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 3 तक सारी की सारी टेबल प्रिंट करवा देंगे उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने लास्ट टाइम करवाया था। तो चलिए इसका लॉजिक देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या है। तो देखिए इसका लॉजिक बेसिकली, हम पहले क्या होगा, लेट सपोज यूजर ने एंटर किया नंबर 3 एंटर किया, तो मतलब हम चाहते हैं कि आउटपुट में पहले 1 की टेबल प्रिंट हो टिल लेट सपोज 1 × 10 इज इक्वल टू 10, फिर बाद में 2 की टेबल प्रिंट हो अपने आप ही टिल 2 × 10 इज इक्वल टू 20, फिर बाद में 3 की टेबल प्रिंट हो (3 × 10 × 30 = 30). बेसिकली अगर यूजर एंटर करे 3 तो 3 टेबल प्रिंट हो और 1 से लेकर उस नंबर तक प्रिंट हो हम चाहते हैं, या 4 एंटर करे तो एक 1 की टेबल प्रिंट हो, 2 की टेबल प्रिंट हो, 3 की टेबल प्रिंट हो और 4 की टेबल प्रिंट हो हम चाहते हैं ये हो। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेंगे, इसका लॉजिक क्या होगा, तो इसका लॉजिक देखते हैं। इसका लॉजिक क्या है, तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप देखिए अभी हो क्या रहा था, देखिए 1 की टेबल प्रिंट हो रही थी, 2 की टेबल प्रिंट हो रही थी, 3 की टेबल प्रिंट हो रही थी, 4 की टेबल प्रिंट हो रही थी, राइट। हमें पता है लास्ट वाले लेक्चर से कि 1 की टेबल हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, 2 की टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं, 3 की टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं, 4 की टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं, अगर यूजर एक नंबर एंटर करे तो 3 टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं, हमको ये पता है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, जो मैं लास्ट टाइम कोड लिखा था ना उसको एक बाहर वाले लूप आउटर लूप के अंदर लिख देना है जो इन वैल्यू को चेंज कर रहा होगा, 1, 2, 3, 4 इन वैल्यू को चेंज कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि मैं एक बाहरी वेरिएबल बना देंगे, लेट्स सपोज आई जिसकी रेंज हो आई और एक नंबर लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 3, तो आई से लेकर नम प्लस वन तक। नम प्लस वन क्यों किया, नम प्लस वन इसलिए किया, आपको पता है कि जो अगर मैं नम लिखता तो वो हमारा जो लूप है वो एक्सक्लूड करता है, मतलब हम यहाँ पे नम लिखता 3 होती वैल्यू तो वो 2 तक प्रिंट करता, 3 तक प्रिंट ना करता, इसलिए मैं नंबर प्लस 1 किया है। अब इसके अंदर वही सेम कोड जो हमने वहां लिखा था वो यहाँ लिख देंगे, फॉर जे इन वेरिएबल बदल जाएगा, जे कर देंगे जे इन रेंज 1 to 11, और जो बाहर में हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी वहां पे लास्ट वाले वीडियो में वो लिख देंगे और हमारी इस तरीके की टेबल प्रिंट हो जाएगी। इतना सिंपल है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा पाइथन शेल ये रहा, पाइथन शेल में हमने हमारी फाइल खोली, पाइथन फाइल, न्यू फाइल, हाँ। अब हमने जूम किया, जूम होने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो काम स्टार्ट करते हैं, चलो हम क्या करते हैं, एक नंबर वेरिएबल बनाते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं इंटीजर वैल्यू, राइट। वो बोलते हैं इनपुट मेथड को बनाते हैं पहले, इनपुट फंक्शन, और लिखते हैं प्लीज एंटर अ नंबर टिल यू वांट टू प्रिंट टेबल्स। एक नंबर एंटर करो जहां तक आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो, हमने बोला यूजर को ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी फॉर लूप, आउटर फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे टेबल प्रिंट करवाना, 1 to num plus 1 एंड पुट दिस इन ब्रैकेट num plus 1, और एक इंटरनल लूप जो बेसिकली 1 की टेबल प्रिंट करवा रहा हो, 2 की टेबल 1 की टेबल प्रिंट करवा रहा हो, 2 की टेबल प्रिंट करवा रहा हो, 3 की करवा रहा हो, 4 की करवा रहा हो, और भाव क्या कर रहा है, वैल्यू को बदल रहा है। 1 की जब वैल्यू प्रिंट करवा रहा है तो 1 रख रहा है साइड लेफ्ट में, आपको पता है। तो 2 की टेबल प्रिंट करवा रहा है तो 2 रख रहा है लेफ्ट में, तो 3 की टेबल प्रिंट करवा रहा है तो 3 रख रहा है, 4 की टेबल करवा रहा है तो 4 रख रहा है, राइट, अगर यूजर नंबर 4 एंटर किया है तो। अब आउटर लूप फॉर जे इन रेंज, वन टू 11, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि 10, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 10 × 20 ऐसा हो, मतलब आगे 11, 2 × 11 ना हो, 2 × 10 तक ही चल रही टेबल प्रिंटिंग, राइट, ओके। अब
हमारी जो स्टेटमेंट थी प्रिंट प्रिंट आई प्रिंट आई कॉमा मल्टीप्लीकेशन का साइन जो एस्टरिक्स देगा हमें जे जो सेम लॉजिक लास्ट टाइम करवाया था वही इज इक्वल टू आई इंटू जे आई इंटू जे। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बन गया। अब हमने जूम आउट किया और हमने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे पाइथन फाइल्स में और सेव किया किस नाम से मल्टी टेबल सपोज मल्टी टेबल एंड इसको सेव कर दिया। अब इसको रन को आते हैं तो F5 प्लीज एंटर नंबर टेल यू वांट टू प्रिंट टेबल्स। तो मैं क्या एंटर करूं मैं लेट्स सपोज 3 एंटर करता हूं तो मैंने लेट्स सपोज 5 एंटर किया तो 5 एंटर किया तो देखिए क्या हो गया देखिएगा आउटपुट क्या हुआ। मैं इसको जूम इन कर देता हूं देखिए क्या हुआ पहले 1 की टेबल प्रिंट हो गई फिर 2 की टेबल प्रिंट हुई फिर क्या हुआ 3 की टेबल प्रिंट हुई फिर क्या हुआ 4 की टेबल प्रिंट हुई 4 की टेबल प्रिंट हुई ये देखिए मैं इसको नीचे रखता हूं 4 की टेबल प्रिंट हुई फिर 5 की टेबल प्रिंट हुई। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।